अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं और 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। उसके बाद हम अपने जाते हैं भी कि हमने इसको कैसे जो है वो मेंटेन किया है। From the following receipts and payment account of Officers Club for the year ended 31st December 2016। सबसे पहले नेम आपने उसने ये पूछा कि आपने मेंटेन करना है इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट, फिर आपने इसका देखना है कि साल एंड कब होता है, 31 दिसंबर 2016 को, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। अच्छा जी, पहले बढ़ते हैं हम रिसीट साइड को। ओपनिंग बैलेंस है वो हम इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में मेंशन नहीं करते। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 21,500 रेवेन्यू रिसीट्स है, एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसीट्स है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स रेवेन्यू रिसीट्स है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रिसीट्स है, अदर रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स है। सैलरीज हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़ पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रिसिएशन दी गई हो तो वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन को मेंशन करती हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो फिर जितना भी हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल होगा वो सारे का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मैंशन नहीं करते। नीचे देखते हैं भाई इंफॉर्मेशन को। 2015 दिसंबर 31st बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 10,000। जब 31 दिसंबर 2015 का एंड हुआ था तो उस वक्त देखा कि इन्वेस्टमेंट थी जो आपकी वो 10,000 है। भाई इन्वेस्टमेंट तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता क्योंकि वो हमारे पास ना ही तो रेवेन्यू रिसीट्स है ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू कहते हैं अभी आपकी जो प्रीवियस ईयर है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन 3,000 जो है वो भी रहती है, 3,000 तो प्रीवियस ईयर है। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कोई भी डाटा होगा वो माइनस करेंगे, हमने सिर्फ करंट ईयर को लेकर चलना है, करंट ईयर ऐड करेंगे। द बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब वो बता रहा है 31 दिसंबर 2016 के बारे में इन्फॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन ड्यू के अभी जो इस साल की जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है 2,500 वो अभी ड्यू है यानी भी अभी मिलनी है तो ये ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग पे आपने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो भाई कोई भी हमारे पास जो कैपिटल नेचर का होगा यानी कि जो हमारे पास एसेट है, फिक्स्ड एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन जो होती है वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू यानी कि इस साल के भी आपको जो इंटरेस्ट है वो भी रहता है क्योंकि 2016 की बात हो रही है तो ये ऐड करेंगे। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट। तो भाई चलते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेंचर साइड पे देखते हैं। सैलरीज हमें दी हुई 3,600 सैलरीज। टेलीफोन चार्जेस हमारे पास है 750, फिर इंश्योरेंस उसने हमें बताई हुई है 1,200, फिर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है 480 है। इसके बाद उसने बताया हुआ सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर वो 640 है, वो मेंशन करती है। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 6,000 है तो हम सारे का सारा वो स्पोर्ट्स मटेरियल को लिखेंगे। नीचे अगर आप देखें तो बिल्डिंग उसने कहा था कि उसने परचेज़ की है 25,000 की और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी थी 5%। तो अगर आप 25,000 पे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, आप 5% इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये बनता है 2,500। ठीक है, सॉरी ये पूरे साल की बन जाएगी। इस तरह हमारे पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज आ रही है वो कितनी है, 5% है, 1,250। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन की। इसके बाद इनकम साइड पे चलते हैं। भी इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन है 21,500 वो मेंशन किया। उसके बाद नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 3,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे पास लास्ट ईयर की है और करंट ईयर की 25,500 है, वो करंट ईयर वाली ऐड कर देंगे और जो हमारे पास प्रीवियस या नेक्स्ट होगी वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस की 3,000 वो माइनस किया तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो आती है वो 21,000। एंट्रेंस फ़ी हमारे पास 1,300 है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स हमारे पास 50 है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 500 और नीचे अगर आप देखें तो 500 अभी ड्यू था इस साल का वो ऐड करेंगे, 1,000 हो गया। इसके बाद अदर रिसीट्स उसने हमें बताई हुई हैं वो 800 हैं। यहाँ पे हमारा जो जितना भी डाटा था वो हमने रिकॉर्ड किया। आप देखें तो आप टोटल करें क्रेडिट साइड का तो वो ज़्यादा है आपने इनकम साइड का टोटल किया 24,150 बनता है। इसमें से अपने सारे एक्सपेंडिचर को आपने माइनस किया, माइनस करने से आपके पास 10,230 आता है जो कि सरप्लस है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके इंशाल्लाह वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्लियर की जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे।